दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेलवे वॉची में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम पहली नज़र में किसी रेलवे लाइन को देखते हैं जो पहले से इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, तो उस समय हमें तो उस लाइन पे हमें क्या दिखता है पहली नज़र में, उसके आज ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो देखते हैं। हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें हमें कुछ पाइपें, पोल और ये वायर्स दिखाई देते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले ये नीचे सबसे पहले ये फाउंडेशन होती है जिसके अंदर मास्ट ग्राउट होता है। ये एक MS फ्लैट के द्वारा रेलवे ट्रैक और मास्ट को अर्थ किया गया है, जिसको बॉन्डिंग बोलते हैं। ये बॉन्ड होता है हमारा। ये हमने 20 सीरीज मास्ट यूज़ किया है और हर एक मास्ट को उसकी लोकेशन देने के लिए इसमें एक नंबर प्लेट लगाई गई है। इसके ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें ये फिटिंग दिखाई देती है जिसका नाम मास्ट ब्रैकेट फिटिंग असेंबली है। इसको बॉटम फिटिंग भी कहते हैं। इसका RI नंबर 3071-1 और -2 होता है। ये दो टाइप की होती हैं। इसके ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें टॉप फिटिंग दिखाई देती है जिसका नाम मास्ट फिटिंग फॉर हुक इंसुलेटर है। इसका RI नंबर 3021 है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ हमें ब्रैकेट इंसुलेटर लगाई दिख नीचे की तरफ हमारा ब्रैकेट इंसुलेटर होता है और ऊपर की तरफ हमारा स्टे इंसुलेटर होता है। जो स्टे इंसुलेटर होता है उसका RI कोड होता है 6000 और जो ब्रैकेट इंसुलेटर होता है उसका RI कोड होता है 6030। इसमें तीन टाइप की पाइपें यूज होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है स्टैंडर्ड ब्रैकेट ट्यूब जिसकी डायमेंशन 30/38 mm होती है। इसका RI नंबर 2041 होता है। इसमें हमारी अगली आती है लार्ज ब्रैकेट ट्यूब जिसके डायमेंशन 40/49 mm होती है, जिसका RI नंबर 2081 होता है। इसके आगे जो हमारी तीसरी ट्यूब होती है उसका नाम है 25 mm नॉमिनल स्टील बोर ट्यूब। इसका RI कोड 2401 होता है। इसके आगे हमारे सामने तीन तरह के वायर होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला वायर होता है उसको हम कैटनरी वायर बोलते हैं, जो 65 square mm का होता है। जो सबसे नीचे वाला वायर होता है जिससे ट्रेन का पेंटो कनेक्ट होके चलता है, उसको कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। ये 107 square mm का होता है। जो बीच में आपको ये वायर नज़र आ रही हैं स्पोर्टिंग के लिए, ये हमारी ड्रॉपर वायर होती है। इसका डाया 5 mm का होता है, इसलिए इसको 5 mm कॉपर ड्रॉपर वायर भी बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं, जो छोटे छोटे इसके पार्ट हैं, वो बहुत सारे हैं। उसको अगर मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।